ये कान का। मैडम ये उठा, भाई यहाँ पे थोड़ा हेल्प कर दूँ उतार के। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक बार प्रॉपर अच्छे से करवा देना। हाँ हेलो, हाउ आर यू सीता? वेरी गुड, आप लोग कैसे हैं? आज ये स्पेशल लुक कैरी किया आपने और एक नए अंदाज में एंट्री किया है। बेशक हमेशा ही करते हैं लेकिन आज भी कुछ नए अंदाज में हम देख रहे हैं, क्या राज है, क्या रीज़न है इसके पीछे, बताइए हमें। वैसे तो मुंबई में बहुत ट्रैफिक होता है, 40 मिनट का रास्ता अगर जल्दी तय करना हो तो फिर बाइक ही काम होती है। तो इसलिए आज पहली बार बाइक से आया अपनी रिहर्सल के लिए। आपको तो पता ही, पिछले साल मैंने आई टी में परफॉर्मेंस की और इस साल भी आई टी में परफॉर्म कर रहा हूँ, बट दिस टाइम समथिंग इज स्पेशल। और दिस टाइम वी आर डेडिकेटिंग वन एक्ट टू समवन हु इज वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू। आई कांट रिवील इट राइट नाउ, बट यस बहुत मेहनत करना है जाके, बिकॉज उनके सामने कोई गलती नहीं कर सकती। एंड दैट्स माय न्यू बाइक। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ एक बार विजुअल करते रहे, मैं तो नहीं बता। बोलो यहीं करो, बस 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 बस। अरे अंदर नहीं जाने का यार, आने दो। क्या हाल है सिद्धार्थ? बहुत बढ़िया, आप लोग कैसे हैं? एक यहाँ पे प्रॉपर विजुअल है, यहाँ पे देखिए न्यू बाइक है। यस कभी नहीं, वन ऑफ 10 बाइक इन इंडिया। ओ कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वेल मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे में एंट्री मारूंगा बाइक में, बट यस नया अंदाज ही समझिए इसको, क्योंकि अभी तक मैं अभी रिसेंटली मैंने बाइक ली है अपनी, और बहुत ही कम मैं ट्रैवल करता हूँ बाइक से, बट अभी इतना ट्रैफिक होता है यहाँ पे कि अभी मैं थोड़ा लेट हो रहा था, तो मुझे लगा बाइक से आना बेटर होगा। और बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं बाइक से, मतलब 40 मिनट का ट्रैफिक आप यू नो 30 मिनट से पहुँच जाते हैं। सो आई थिंक बाइक इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर मी फॉर नाउ। और मैं यहाँ पे आया हूँ रिहर्सल्स के लिए, क्योंकि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ आईटा में, एंड पिछले साल ही मैंने परफॉर्म किया था, आप सबको बहुत पसंद आया था। एंड दिस टाइम ऑल्सो आई एम परफॉर्मिंग, एंड दिस टाइम आई एम परफॉर्मिंग फॉर समवन हु इज़ वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर ऑल ऑफ अस। ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ सुपर स्टार। कुछ ऐसे हिंट देना चाहेंगे किसके लिए आप परफॉर्म करने वाले, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब आपने परफॉर्म किया तब भी जितने भी ऑडियंस थे काफ़ी एक्साइटेड थे, इस बार भी कुछ अलग यूनिक वे में होने वाला है? आई डोंट थिंक सो दैट आई शुड रिवील द नेम, बट येस इट्स अ मैजिकल, इट्स अ एक्ट विच वी आर डेडिकेटिंग टू समवन हु इज यू नो कह सकते हैं द हॉटेस्ट, हैंडसम, वेरी बिग, यू नो he dances so well and he is a spy. basically aap naam reveal nahi karna chahte ji, chote chote hints ko aapne de diye, bahut acche se hint de diye, ab to samajh hi gaye honge aap log. yes bilkul. to Siddharth, humne aapko kaafi reality shows mein, movies mein kuch dekha hai, to kuch aise plans hai jo aapke fans aur matlab aapka jo different type of shades humne aapko dekhne milega? ji main bahut jald bahut acha kuch announce karunga, बट तब तक के लिए सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। एंड येस एज आई टोल्ड यू कि अनटिल अनलेस जब तक मेरा प्रोजेक्ट आ नहीं जाता मैं कुछ अनाउंस नहीं करता। सो मैं सीधे या पोस्टर या फिर समथिंग किसी के साथ ही अनाउंस करूँगा, तब तक के लिए आप सब्र रखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बिग बॉस 17 कितना फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फॉलो नहीं करते। अगर आपको मौका दिया जाए कि आपको उसमें एंट्री करने का जैसे अप्रोच आया, तो आप क्या कहना चाहेंगे, जाना पसंद करेंगे या? पता नहीं, वो उस चीज़ के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज अगर मुझे अप्रोच आता है और अगर वहाँ पे मेरी ज़रूरत मुझे लगती है कि है, और या फिर जैसे ऐसे हम प्रमोट करने के लिए तो जाते हैं बिग बॉस, बट हाँ बिग बॉस के घर अभी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है,
और जब आएगा तो देखा जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लास्टली फैंस और ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, अभी परफॉर्मेंस भी होने वाली जी हाँ, और आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी हम देखेंगे, तो व्हाट डू यू वांट टू से? वेल यस्टरडे मैंने एक बहुत ही बड़ा गाना शूट किया है फॉर टिप्स, तो बहुत जल्द वो भी आने वाला है, इट्स अ डांस नंबर, आपको बहुत पसंद आएगा एंड सब्र रखिए, बहुत जल्दी मैं कुछ अनाउंस करूँगा। थैंक यू। Just make it like two questions.